ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल में जाता है, सेल में जो फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, ग्लूकोज को या प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके जो CO2 बनता है, तो उस CO2 को कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाए, इसी को CO2 ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहते हैं। यानी द CO2 फॉर्म्ड इनसाइड द सेल इज टू बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, उस CO2 को बॉडी से बाहर निकालना। अब ये तीन मेथड से होता है, एक फिजिकल सॉल्यूशन मेथड से जिससे कुल 7% ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा केमिकल सॉल्यूशन मेथड से जिससे 70% ट्रांसपोर्ट होता है, तीसरा कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन प्रोसेस से जिससे 23% ट्रांसपोर्ट होता है। फिजिकल सॉल्यूशन ये तो बहुत ही सिंपल है कि CO2 इन किया, सेल से बाहर आया, वाटर से रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद कार्बनिक एसिड बना दिया। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, वाटर में जैसे डिसॉल्व हो गया। केमिकल सॉल्यूशन मेथड में हम एक रे डायग्राम से समझा रहे हैं कि CO2 पहले टिश्यू सेल में गया, ये टिश्यू सेल है, टिश्यू सेल से ब्लड प्लाज्मा में गया, ये ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा से RBC में गया, और ये RBC है, ये फिगर RBC का है। अब इसमें बहुत तरह के रिएक्शंस होते हैं, जैसे CO2 टिश्यू सेल से निकला, ब्लड प्लाज्मा में इन किया, और ये ब्लड प्लाज्मा में जिस तरह से यहाँ पर समझाए उसी तरह से ये वाटर से रिएक्शन करके ये H2CO3 बना देता है, यानी डिजॉल्व हो गया, CO2 डिजॉल्व हो गया। तो अब ये सेल के लिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। दूसरा मॉलिक्यूल CO2 RBC के अंदर गया, अब RBC के साइटोप्लाज्म में ये वाटर से रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद ये कार्बनिक एसिड बनाया। चूंकि कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड है और एक्वस मीडियम में है इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ RBC, तो ये यहाँ पर टूट करके हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन बनाया, जिसको बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। और ये बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन HCO3 ये सेल से प्लाज्मा में आ गया। ये एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसको अभी फिर हम रिपीट करेंगे। क्या हुआ कि CO2 वाटर से रिएक्शन करने के बाद कार्बनिक एसिड बनाया, कार्बनिक एसिड टूट करके हाइड्रोजन आयन दिया और बाइकार्बोनेट आयन दिया, और ये बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन चूंकि सेल में ज्यादा हो जा रहा है इसलिए ये बाहर निकल गया प्लाज्मा में। ये एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अभी फिर हम रिपीट करेंगे। उसके बाद इनसाइड द RBC में हेमोग्लोबिन के साथ मेटालिक आयन जैसे पोटेशियम अटैच रहता है, तो ये हेमोग्लोबिन, मेटालिक हेमोग्लोबिन टूट जाता है पोटेशियम में और हेमोग्लोबिन में, तो हेमोग्लोबिन इस प्रोटॉन को लेकर के हेमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है जो कि बाहर निकल जाता है, जो कि बाहर निकल जाता है। और ये पोटेशियम, ये दूसरा रिएक्शन यहाँ पर CO2 का ये हुआ कि ये CO2 हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन बनाता है जो कि ये थर्ड टाइप है। तो मेन पर्पस है कि जो प्रोड्यूस्ड CO2 है उस CO2 को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना, या कार्बन के दूसरे कंपाउंड में, ताकि फ्री CO2 ना रहे, क्योंकि फ्री CO2 सेल को नुकसान पहुंचाता है। अब प्लाज्मा में सोडियम क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड है, ये एक्वा सॉल्यूशन में है, तो एक्वा सॉल्यूशन में ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा। तो ये जो क्लोराइड आयन है, यहां चूंकि बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकला है, ये एसिडिटी है, एसिडिक आयन है, तो उसको इनसाइड द
आरबीसी पीएच को मेंटेन करने के लिए ये क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में इन करता है। तो यहां जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर आता है तो ये क्लोराइड आयन इन करता है, इसी को यानी पासिंग आउट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड एंट्री ऑफ क्लोराइड आयन को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, जो अगले टॉपिक में हम बताएंगे। यहां पर एक एंजाइम यूज होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, जो फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, मतलब इसका टर्नओवर अब तक के नोन एंजाइम में सबसे ज्यादा है, जिसके अंदर जिंक होता है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम है, यानी जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड में चेंज हुआ तो ये कैटालाइज होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज से। तो बेसिकली यहां पर तीन बातें हुई कि ये CO2 H2O से रिएक्शन किया, ये बना दिया H2CO3। अब ये H2CO3 ये ब्रेक कर गया H प्लस आयन HCO3 माइनस आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया और ये हाइड्रोजन आयन आ गया। दूसरा रिएक्शन हो गया के हेमोग्लोबिन पोटेशियम कंटेनिंग, ये टूट जाता है के आयन में और हेमोग्लोबिनिक आयन में। अब ये हेमोग्लोबिनिक आयन एच आयन प्लस एच बी माइनस आयन ये बना देता है हेमोग्लोबिनिक एसिड, और जो क्लोराइड इन से आउट से इन आया जैसे के प्लस सी एल माइनस ये इनसाइड के सी एल बना देता है, और दूसरी बात जो बाहर एन ए है हमारा, यहाँ पर जो मैंने टूटा है एन ए प्लस एच सी ओ थ्री माइनस आयन ये एन ए एच सी ओ थ्री बना देता है। तो इस तरह का रिएक्शन होता है और इस तरह से जो प्रोड्यूस्ड CO2 इनसाइड द सेल है ड्यू टू रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहते हैं।